हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं राज कॉमिक्स की उन कॉमिक्स के बारे में जो सालों पहले से लेकर अब तक पब्लिश नहीं हो पाई हैं। यानी आज हम पता करेंगे राज कॉमिक्स की डिब्बाबंद कॉमिक्स के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखें। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर आए मेरे सभी नए दोस्त हमारी वीडियोस को यूं ही बिना मिस किए एंजॉय करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बताए जाने वाले टाइटल्स सिंगल इशू भी होंगे और कॉमिक सीरीज के नाम भी। तो आइए अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैंने जानबूझ कर रखी है आजादी सेना कॉमिक, जिसको कि राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी लाने वाले थे। बट पिछले साल में रिलीज हुई इसके पहले इशू के बाद अब तक ना हमें इस कॉमिक की कोई अपडेट जानने को मिली है और ना ही यह पता चल पाया है कि इस कॉमिक को यानी आजादी सेना कॉमिक को डिले करने का रीजन आखिर क्या है। सो बस इन कारणवश से ही मैंने इस कॉमिक को मेरी लिस्ट में जगह दे दी है। जिसके बाद बात करूं लिस्ट की अगली कॉमिक की, तो यह है विषहर्ता, जो कि नागराज के सतीपूर्ति सीरीज का फोर्थ पार्ट होने वाली है, जिसे राज कॉमिक्स द्वारा अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। और बता दूं कि ये इनकी पुरानी सीरीज है, जिसे करीब करीब शायद 2014 में शुरू किया गया था, जिसके बाद सतीपूर्ति सीरीज की तीन कॉमिक्स को टाइम के साथ रिलीज किया गया। बट विषहर्ता कॉमिक कहीं ना कहीं अनपब्लिश कैटेगरी में चली गई, लेकिन अब ये वापस आएगी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि इसे लाने का प्रॉमिस संजय गुप्ता सर ने अपनी तरफ से कर दिया है। जिसे वो कब तक पूरा करेंगे ये तो हमें वक्त ही बताएगा। बट मनोज गुप्ता जी शायद ऐसा लग रहा है कि इसे भूल चुके हैं, क्योंकि उनकी तरफ से इस कॉमिक को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसके बाद की हमारी अगली कॉमिक है हार्ट ऑफ गोल्ड, जो कि गोल्ड हार्ट कॉमिक सीरीज का लास्ट पार्ट होना था, बट इसे भी राज कॉमिक्स ने कभी पब्लिश ही नहीं किया, जिसके चलते हम गोल्ड हार्ट के क्लाइमेक्स वाली स्टोरी से भी अनजान रह गए। और हमें यह भी नहीं पता चल पाया कि आखिर गोल्ड हार्ट ने वापस अपने ग्रह पर जाकर अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट किया और कैसे ढाल ने उसकी इस चीज में हेल्प की, जिसके बाद ढाल का क्या हुआ और गोल्ड हार्ट कैसे अपने आप को दोबारा ठीक नहीं कर पाया, ये भी शायद हमें उसी कॉमिक से पता चलता, जो सभी क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए। अब नेक्स्ट हमारी अगली कॉमिक सीरीज है अधर्म महेश्वर, जो कि राज कॉमिक्स की एक मल्टी स्टारर कॉमिक सीरीज होनी थी, जिसमें कौन कौन फीचर होते ये तो पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि ये कॉमिक सालों पहले सिर्फ अनाउंस हुई थी एंड तब से अब तक ये पब्लिश नहीं हो पाई, इसीलिए ये कॉमिक बन जाती है एक डिब्बाबंद कॉमिक। अब इसके बाद भी नेक्स्ट एक कॉमिक सीरीज ही है, जिसका नाम है फाइटर फोर्स, जो कि राज कॉमिक्स में फाइटर टोर्स की सीरीज होनी थी, बट ये भी सिर्फ अनाउंस होकर रह गई एंड कभी प्रकाशित नहीं हो पाई। देन नेक्स्ट है माइंड गेम सीरीज, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव की सीरीज होनी थी, जिसे अनाउंस करते हुए इसका एक एड पेज भी शेयर किया गया था, जो ऑफिशियल था या नहीं पता नहीं, बट ये जरूर पक्का था कि ध्रुव की इस नाम की कोई सीरीज फॉर श्योर प्लानिंग में जरूर थी, जिसके आइडिया को शायद से बीते समय के साथ ड्रॉप कर दिया गया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारी अगली कॉमिक है सीन्स ऑफ फादर, जो भी राज कॉमिक्स के ब्रह्मांड रक्षकों की एक मल्टी स्टारर विशेषांक कॉमिक होनी थी, जिसको अनाउंस करते हुए इसके एड प्रोमो में इंस्पेक्टर स्टील और एंथनी का भी जिक्र हुआ था। अब इसके बाद हमारे इस लिस्ट की नेक्स्ट डिब्बाबंद कॉमिक है अगड़म बगड़म, जिसके प्रोमो को तो शायद से बहुत से रीडर्स ने देखा होगा और ये बहुतों को याद भी होगा, क्योंकि ये एक यूनिक कॉमिक थी और ये था एक स्पेशल एडिशन, जिसमें हमें नागराज, ध्रुव और बाकेलाल नजर आने वाले थे और एक साथ आकर ये दोनों क्या ही धमाल करते ये तो हमें कभी पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि ये कॉमिक भी अनपब्लिश रह गई। नाउ नेक्स्ट, अगली हमारी अनपब्लिश कॉमिक है सील भंग, जो कि विश्व रक्षक नागराज की लास्ट एंड फाइनल सीरीज होनी थी, जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली शायद ऐसा हो सकता था कि विश्व रक्षक नागराज का कैरेक्टर राज कॉमिक्स की टाइमलाइन से गायब हो जाता। और इस कॉमिक सीरीज की एक खास बात यह थी कि इस पर नितिन मिश्रा सर और अनुपम सर दोनों एक साथ काम करने वाले थे,
और ये डुओ अगर साथ मिलकर काम करते तो हमें क्या डिलीवर होने वाला था, इसके बारे में तो हर राजकॉमिक्स प्रेमी अच्छे से जानता है। बट सैडली हमारी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई क्योंकि इस कॉमिक का भी कुछ अता पता नहीं है। एंड अब बात करूं हमारी आज की इस लिस्ट की आखिरी कॉमिक के बारे में, तो ये है डेड गॉड्स, जो कि अगेन एक मल्टी स्टारर कॉमिक सीरीज होती है, जिसकी कहानी लिख रहे थे अभिषेक सरकार और इस पर आर्ट कर रहे थे धीरज वर्मा सर। और इस कॉमिक सीरीज को अनाउंस करते हुए इसका एड पेज भी राजकॉमिक्स ने शेयर किया था, लेकिन इनकी बाकी दूसरी कॉमिक्स की तरह ये कॉमिक भी कभी बन ही नहीं पाई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टॉप 10 अनपब्लिश राजकॉमिक्स की वीडियो, जिसमें हाँ मैंने कुछ कॉमिक्स को कवर नहीं किया है क्योंकि वीडियो में मुझे सिर्फ 10 कॉमिक्स ही रखनी थी। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं उन कॉमिक्स के बारे में भी आपको बताऊं, तो आप उस वीडियो के लिए इस करंट वीडियो पर 100 लाइक्स पूरे कर दें, जिसके बाद जल्द ही मैं राजकॉमिक्स की बाकी डिब्बाबंद कॉमिक्स की वीडियो भी जरूर लेकर आऊंगा। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कोशिश करें कि वीडियो राजकॉमिक्स के किसी भी पब्लिशर तक जरूर पहुंच जाए, क्योंकि हो सकता है कि क्या पता इस वीडियो में बताई कोई कॉमिक हमें पढ़ने को ही मिल जाए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर हमारी वीडियोस को रेगुलर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें।